सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। मशहूर पत्रकार दीपक चौरसिया बिग बॉस OTT सीजन 3 में बतौर प्रतिभागी घर के अंदर नजर आ रहे हैं। वो देश के नामी पत्रकारों में से एक हैं। आज आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है दीपक चौरसिया, कैसे इतने ज़्यादा फेमस हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंटरनेट न्यूज़ पर। चैनल बनाए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। मशहूर पत्रकार दीपक चौरसिया ने नामी शो बिग बॉस OTT सीजन 3 से टीवी की दुनिया में कदम रख दिया है। दीपक देश के जाने माने पत्रकारों में से एक हैं। दीपक ने कई न्यूज़ चैनलों में काम किया है। उनके रिपोर्टिंग का एक अलग ही अंदाज रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब शुरुआत हुई थी तब दीपक चौरसिया उभरते हुए नामों में शामिल रहे। दीपक चौरसिया का जन्म 28 सितंबर 1968 यानी कि 1968 को हरियाणा के रोहतक में हुआ है। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा और एक सफल पत्रकार के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने कई सारे न्यूज़ चैनलों में काम किया। अब वो बिग बॉस OTT सीजन 3 में प्रतिभागी के तौर पर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने के बाद दीपक लगातार खबरों में हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि दीपक से पहले एंकर शेफाली बग्गा भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं। इस रियलिटी शो के जरिए अनिल कपूर जहां बतौर होस्ट डेब्यू कर चुके हैं, तो वहीं सबसे ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स की। शो में एंट्री होने पर दीपक चौरसिया ने यह भी कहा कि बिग बॉस OTT सीजन 3 हाउस में ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिग बॉस OTT सीजन 3 के सबसे ज़्यादा फीस दीपक चौरसिया को ही मिल रही है। जी हाँ, खबरों के आधार पर बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी प्रतिभागियों में दीपक सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं इस बार बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।